तो BTS न्यूज में आपका खैर मकदम है, हर पल की खबर आप तक। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज में। मैं मोहम्मद अहमद, हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी लहुराबीर स्थित हैं। यहाँ पर एक रैली निकाली गई है रेप मुक्त समाज को लेकर। जो रेप की घटनाएं आए दिन समाज में हो रही हैं, उसी का विरोध ये भारत माता मंदिर तक जाएंगे, पैदल मार्च निकाले हैं ये। और रेप के प्रति बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बड़ी ही दुखदायक होती हैं, उसी के विरोध में ये रैली निकाली गई है। आइए जानते हैं इन लोगों का क्या मोटिव है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है। ये किस तरह का मार्च रैली आप निकाले हैं? ये एक हमारी संस्था मेरा देश मेरा दायित्व, और मेरा देश मेरा दायित्व ये जो संस्था है ये मूल रूप से वृद्धों के लिए, कैंसर फ्री पॉलिथीन मुक्त समाज के लिए, और साथ में रेप मुक्त समाज निर्माण के लिए कार्य करती है, जिसमें लगभग पिछले एक सालों से हम लोग हर चौराहे पर रात में खड़े होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और बीच बीच में हम लोग पैदल इस तरीके से आ करके लोगों को जागरूक करते हैं कि समाज में, ये रैली नहीं है, ये जागरूकता अभियान है, कि समाज में अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो सरकार के साथ साथ आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि वो सक्रिय भूमिका निभाए, गलत होते देखे तो आवाज़ उठाए। किस संस्था से आप लोग हैं, मतलब इस तरह का जो जागरूकता अभियान चलाते हैं किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? जी, क्या संस्था है? मेरा देश मेरा दायित्व ट्रस्ट की एक संस्था है, उसी से हम लोग सभी लोग जुड़े हुए, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस तरह का जागरूकता आप समाज में लाना चाहेंगे? ये रेप मुक्त अभियान हम लोग का चलाया जा रहा है, जो कि मेरा देश मेरा दायित्व लगभग 8 सालों से कार्यरत है विभिन्न क्षेत्रों में। हम लोग लावारिस वृद्धों के ऊपर भी कार्य करते हैं, और पॉलीथीन मुक्त काशी के लिए हम लोग लगभग 3 साल से कार्य कर रहे हैं, और ये रेप मुक्त काशी के लिए लगभग 1 सालों से ये सत्येंद्र शर्मा जी, शशि शंकर पटेल जी, अमित मिश्रा जी, मतलब हमारे नवीन सिंह, नवीन जायसवाल जी, सब लोग, हम लोग लगभग हर चौराहे पे काशी के, यहाँ तक कि हम लोग बाहर भी गए, दिल्ली गए, इंदौर गए, हम लोगों ने अपना अभियान जारी रखा बेटियों की सुरक्षा को लेके, कि कहीं भी रहिए अपने दायित्व को भूलिए मत। हमारे संस्था का नाम भी है मेरा देश मेरा दायित्व, जो कि एक नाम लेने में भी ये समझ में आ जाता है कि हमारा देश है तो हमारा कुछ दायित्व बनता है। अगर हम इस समाज में रह रहे हैं तो हमको अपने दायित्व का निर्वहन करते रहना चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, चाहे जैसे लोग लावारिस वृद्धों को लाके रोड पे छोड़ देते हैं, हम लोग उसके लिए, हमारा एक वृद्धा आश्रम बन रहा है, हम लोग उसका निर्माण कर रहे हैं, वहाँ वृद्धों को रखेंगे, उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करेंगे, और हम लोग बेटियों के लिए भी लगभग 1 साल से हर चौराहे पे खड़े होकर ऐसे आम जनमानस को जागरूक करते हैं कि अगर राह चलते हुए किसी की भी बहन बेटी हो, न कि अपनी, अगर उसके साथ कोई भी गलत हो रहा है, कोई पीछा ही कर रहा है, तो हमको उसका भाई बाप बन के उसके पीछे तक कुछ दूर तक जाना चाहिए, बेटा हम हैं आपके साथ, आप घबराएं नहीं। तो उसी जागरूकता के लिए हम लोगों ने ये कार्य, वृद्धाओं के लिए तो सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे निर्माण किए हैं। आश्रमों में जाके देखिए सर, सरकारी जितने आश्रम हैं, आप भी जानते होंगे, आप तो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, आप लोग तो वहाँ की सच्चाई जानते होंगे, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, बहुत ही बुरी दुर्दशा हो रही है वहाँ पे, और हम लोग लगभग 4 साल से कार्य कर रहे हैं, हम लोग कई आश्रमों को मतलब देखभाल करते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने वहाँ की भी दुर्दशा देख के उसको छोड़ दिया। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी आमदनी से एक छोटी सी कुटीर का, सेवा कुटीर के नाम से हम लोग उसको रखे हैं, जो कि मैंने अपने घर में भी 1 साल से बना रखा है। ये भी एक सराहनीय कदम है, लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं, आप किसी से भी पता करेंगे, सत्येंद्र शर्मा के घर रात 12 बजे तक लोग लेके पहुंच जाते हैं, और मैं खुद उनकी पत्नी हूं, मैं उनको नहलाती हूं, धुलाती हूं, लगभग 8-10 दिन अपने पास रखती हूं, जब वो उतने सक्षम हो जाते हैं कि उठ के खुद से चल नित्य क्रिया कर सके, तब मैं किसी आश्रम में उनको शिफ्ट करती हूं, लेकिन मैं उससे भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं उनके बच्चों से भी मिलती हूं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी टीम के लोग जाके मिलते हैं कि आप अपने माँ बाप को रख लीजिए, लेकिन जिनके 3-4 बच्चे हैं वो भी नहीं रखना चाहते हैं, उसमें भी पारी लगती है, ये देख के बहुत कष्ट होता है। हम लोग कई मुद्दों पे कार्य कर रहे हैं, उसी संदर्भ में बेटियों के लिए हम लोग एक जागरूकता अभियान निकाले हुए हैं, न रैली नहीं है ये। कितने दिनों से ये अभियान आपका जारी है? लगभग 1 साल से हम लोग हर चौराहे पे कर रहे हैं, लेकिन उसी के संदर्भ में आज एक छोटी सी रैली निकाली गई है, जो कि भारत माता से होते हुए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क तक जाएगी हम लोग की पदयात्रा, और उसमें हमारे सभी साथी जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोग को सफलता मिले। जैसा कि समाज में जो
रेप इस तरह की घटनाएं हैं वो बहुत ही दुखदायक होती हैं। इसी के चलते समाज के कुछ लोग समाज के अंदर एक जागरूकता और उनको अवेयर करना चाहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ताकि वो जिम्मेदार बने और अपनी दायित्व को समझे, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बेटियों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, उनको ताकत देने की बात कर रहे हैं, तो एक ताकत और मिलनी चाहिए और वो है बलात्कारियों की दया याचिका खारिज होनी चाहिए। बलात्कारियों की दया याचिका का नमूना आपने देखा किस तरीके से वकील एपी सिंह निर्भया के दोषियों को बचा। इसी के साथ ही हमारा खबरनामा इख्तिताम पर पहुंचता है। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए BTS News पर।